हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम बकरी की नस्लों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम भेड़ की नस्लों के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है भेड़ की नस्लें। भेड़ पालन का जो कार्य है वो संपूर्ण भारत में किया जाता है। इसको सफलतापूर्वक बनाने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, भारत में सफलतापूर्वक सभी प्रकार की जलवायु व परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है। देश में भेड़ों की बात करें तो भेड़ की टोटल अपने देश के अंदर 42 नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांश जो नस्ल हैं वो गलीचा किस्म की ऊन उत्पन्न करती हैं। गलीचा नस्ल की जो ऊन है वो उत्पन्न अधिकांश भेड़ों के द्वारा या अधिकांश नस्लों के द्वारा की जाती है। एक चोकला नस्ल है, ये जो चोकला नस्ल पूरे विश्व के अंदर गलीचा नस्ल की ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल हो या प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल मानी जाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को भेड़ों का घर माना जाता है या राजस्थान है इसको भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान के अंदर कुल भेड़ों की संख्या 9.08 मिलियन है। राजस्थान के अंदर भेड़ों की संख्या 9.08 मिलियन है। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। टोटल भेड़ों की संख्या निकालनी हो तो 9.08 मिलियन को 9.08 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल भेड़ों की संख्या आ जाएगी। अब आती है भेड़ की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें। सबसे पहले आती है इसके अंदर मारवाड़ी। मारवाड़ी जो नस्ल है इसके बारे में सबसे पहले इसका देखते हैं उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, कहां इसकी उत्पत्ति हो और इसका वितरण कहां पतक पर पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, यह जो भेड़ की नस्ल है सामान्यतः मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र तथा यहीं पर ये पाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही जो जिले हैं इनके अंदर या इन जिलों के आसपास का जो क्षेत्र है उनके अंदर मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़े हैं वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आती है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों की विशेषताएं। नंबर दो,
विशेषताएं। इस नस्ल की जो भेड़े हैं उनका जो शरीर मध्यम आकार का शरीर मध्यम आकार तथा चेहरा है काले रंग का, तथा चेहरे का जो काले रंग चेहरे का जो काला रंग है ये गर्दन के नीचे हिस्से तक भी पाया जाता है। ऐसे कह सकते हैं जो काला रंग है वो गर्दन के निचले भाग तक फैला रहता है। इस नस्ल की जो भेड़ है उसके कान छोटे, कान छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े हुए, पूंछ पतली छोटी व मध्यम लंबाई की होती है, मध्यम लंबाई की पूंछ होती है। साथ ही जो नर व मादा है, नर व मादा दोनों के दोनों सींग रहित होते हैं, सींग रहित होते हैं, यानी इनके नर व मादा पर सींग नहीं पाए जाते हैं। नर का जो औसत भार है, नर का भार वो 28 से 35 केजी, जबकि मादा का औसत भार 25 से 30 केजी के लगभग होता है। नर का औसत भार 28 से 35 केजी जबकि मादा का 25 से 30 केजी के लगभग होता है। इस नस्ल की जो भेड़ है उनकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 66 से 70 सेंटीमीटर जबकि लंबाई 56 से 60 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट इस नस्ल की बात करें, इस नस्ल की जो भेड़ है उनका शरीर सुगठित, टांगे लंबी शरीर है वो सुगठित, टांगे लंबी व मजबूत होती हैं। टांगे लंबी व मजबूत होने के कारण जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़े हैं वो अन्य नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती है तथा ये अन्य जो नस्ल की भेड़े हैं उनकी तुलना में अधिक स्वस्थ होती हैं। नेक्स्ट इन्हें ठंडे, जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़े हैं उन्हें ठंडे व गर्म मौसम में के, ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति इनमें अन्य भेड़ों की तुलना में काफी ज्यादा या बहुत अधिक होती है। ठंडे व गर्म मौसम में आसानी से ये रह सकती है। लास्ट आते हैं इनकी उपयोगिता। मुख्यतः जो भेड़ों के द्वारा
ऊन उत्पादन किया जाता है या ऊन उत्पादन के लिए ही ज्यादातर भेड़ों को पाला जाता है। तो इस नस्ल की जो भेड़ है इनके द्वारा 1.5 से 2.3 या 1.5 से 2.3 केजी ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। इनके द्वारा जो प्राप्त होने वाली ऊन है वो सफेद व हार्दिक मोटी ऊन होती है। साथ ही इस नस्ल के रेवड़ क्या होता है, जो भेड़ों का जो समूह होता है जिसके अंदर 150 भेड़े पाई जाती हैं, उनको सम्मिलित रूप से रेवड़ कहा जाता है। तो इस नस्ल का जो रेवड़ होता है उसके अंदर वार्षिक जीवित दर भेड़ों की वार्षिक जीवित दर 90% से अधिक होती है। 90% पशु हैं वो जीवित रहते हैं या 90% से अधिक जो पशु हैं वो जीवित रह पाते हैं, जबकि इनके अंदर मृत्यु दर बहुत ही कम होती है, जो 10% या 10% से भी कम होती है। तो सबसे ज्यादा जो वार्षिक जीवित दर है वो मारवाड़ी नस्ल के अंदर ही पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों के अंदर ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो भेड़ की नस्ल आती है वो है चोकला। नंबर 2 चोकला। सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। यह नस्ल मुख्यतः राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है जिसके अंदर चूरू झुंझुनू सीकर आते हैं उसके अंदर ही ज्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा नागौर जोधपुर जिलों में भी ये नस्ल पाई जाती है तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर भी देखने को मिलती है। इस नस्ल को छापर और शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह नस्ल है जो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी लाते हैं, चूरू झुंझुनू चूरू झुंझुनू सीकर। इसके अलावा बात करें तो नागौर जोधपुर जो जिले हैं उनके अंदर ये या चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो देखने को मिलती है तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर भी ये नस्ल पाई जाती है। तो चोकला नस्ल है इसको छापर व शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो इसका दूसरा नाम है या अन्य नाम है वो छापर व शेखावाटी नस्ल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आती है चोकला नस्ल की विशेषताएं। इस नस्ल की जो भेड़ है इनका मुंह गहरे भूरे रंग का होता है, मुंह गहरे भूरे रंग का होता है। ये जो गहरा भूरा रंग है एक गर्दन के नीचे तक फैला होता है, गर्दन के नीचे के भाग तक फैला रहता है। इनका शरीर
मध्यम आकार का, शरीर मध्यम आकार का, वह वर्गाकार, कान छोटे, नर व मादा सींग रहित, पूंछ पतली, वह मध्यम लंबाई की, वह मध्यम लंबाई की होती है। शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार होती है तथा कान छोटे, नर व मादा सींग रहित, पूंछ पतली व मध्यम लंबाई की होती है। नेक्स्ट, जो इस नस्ल की जो भेड़े हैं उन भेड़ों की लंबाई व ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई दोनों समान होती है, लंबाई व ऊंचाई बराबर होती है। तो लंबाई व ऊंचाई बराबर होने के कारण ये जो भेड़े हैं वर्गाकार दिखाई देती हैं। लंबाई व ऊंचाई बराबर होने के कारण तो इस नस्ल की जो भेड़े हैं वो वर्गाकार दिखाई देती हैं। लास्ट नंबर 3 आती है, इस नस्ल भेड़ों की उपयोगिता। इस नस्ल की जो भेड़ है इनके द्वारा मुख्यतः ऊन का ही उत्पादन किया जाता है, जिसके द्वारा या इनके द्वारा प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 kg सफेद ऊन प्राप्त होती है। तो इस नस्ल की जो भेड़ें होती हैं तो उसके जो उसकी जो एक भेड़ है उसके द्वारा 1.5 से 2.5 या 1.5 से 2.5 kg सफेद ऊन प्राप्त होती है। तो ये तो थी नंबर 2, चोकला नस्ल की भेड़ें। अब नंबर 3 आती है मालपुरा, तीसरी नस्ल आती है मालपुरा। सबसे पहले देखते हैं इनका उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। अगर सबसे पहले बात करें तो इस नस्ल की या जो मालपुरा नस्ल है इसका जो नाम कैसे पड़ा है, इस मालपुरा जो नस्ल है या जो भेड़ों की जो मालपुरा नस्ल है इसका नाम टोंक जिले, तो टोंक जिला है उसकी मालपुरा तहसील, टोंक जिले की मालपुरा जो तहसील है उस मालपुरा तहसील के नाम पर ही इस नस्ल की भेड़ों का नाम मालपुरा पड़ा है या इसका नाम रखा गया है। अब इनका जो उत्पत्ति स्थान या वितरण है या जो वितरण है वो सामान्यतः या मुख्य रूप से जयपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, जयपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी जो जिले हैं या इन जिलों का जो आसपास का जो क्षेत्र है इनके अंदर मालपुरा नस्ल की भेड़ों का वितरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी विशेषताएं। नंबर 2,
विशेषताओं की बात करें तो इस नस्ल की जो भेड़ है इनका शरीर मजबूत, गठिला, चेहरा हल्के रंग का होता है, कान छोटे, वह मुड़े हुए, पूंछ पतली, और मध्यम लंबाई की, नर व मादा भेड़ सींग रहित, सींग की अनुपस्थिति, मुंह पेट व टांगों पर ऊन अनुपस्थित होती है, जो मालपुरा नस्ल की जो भेड़ हैं, इनका शरीर मजबूत गठिला, चेहरा हल्के रंग का, कान छोटे व मुड़े हुए, पूंछ पतली और मध्यम लंबाई की, नर व मादा हैं वो सींग रहित होते हैं, मुंह पेट व टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती है या ऊन अनुपस्थित होती है। नर और मादा, तो नर का जो बहार है वो 33 से 40 केजी के आसपास होता है, जबकि मादा का बहार 24 से 30 केजी के लगभग होता है। नर की जो औसत लंबाई है, सिक्स 8.74 सेंटीमीटर, जबकि मादा की जो लंबाई है वो 61 से 65 सेंटीमीटर तक होती है। ऊंचाई की बात करें, नर की जो ऊंचाई है वो 67.72 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की जो ऊंचाई है वो 60 से 64 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नर का भार 33 से 40 केजी, जबकि मादा का 24 से 30 केजी होता है। लंबाई 68.74 सेंटीमीटर, जबकि मादा की 61 से 65 सेंटीमीटर होती है। ऊंचाई नर की 67.72 सेंटीमीटर, जबकि मादा की 60 से 64 सेंटीमीटर होती है। तो ये तो हो गई नर व मादा की विशेषताएं। नेक्स्ट आती है मालपुरा नस्ल की उपयोगिता। इस नस्ल की जो भेड़े हैं या मालपुरा नस्ल की जो भेड़े हैं उनको मुख्यतः मांस उत्पादन के लिए ही पाला जाता है या इनके द्वारा मांस उत्पादन किया जाता है। साथ ही जो इस नस्ल की भेड़ हैं उनके द्वारा प्रतिवर्ष 1.1 से
1.6 केजी सफेद व मोटी ऊन प्राप्त होती है। मुख्यतः इनको मांस उत्पादन के लिए ही पाला जाता है, साथ ही इनके द्वारा 1.1 से 1.6 केजी ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। इनसे प्राप्त होने वाली ऊन सफेद व मोटी ऊन होती है। आज के लिए इतना ही, आगे क्या नेक्स्ट कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।